नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप क्या मेथड कर सकते हैं, और इम्यूनिटी अगर लो है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं, और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसे ही इम्यूनिटी बूस्टर क्वाथ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जो बहुत ही अच्छा जिसका रिजल्ट देखने को मिलता है, और एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यूसली। इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता होती है, यानी रोगों से लड़ने के लिए जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी होती है, उसी की वजह से हमारा बॉडी जो होता है वो रोगों से लड़ पाता है। जैसे कि आपको अगर हल्का कोल्ड होता है तो आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनका कोल्ड अपने आप ही ठीक हो जाता है, तो इनकी इम्यूनिटी जो होती है बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन कई लोगों के हल्का एकदम से ठंडा पानी पीने से भी उनको जुकाम वगैरह लग जाता है, तो इनकी इम्यूनिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। इम्यूनिटी लो के सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो है जल्दी से खांसी जुकाम, बुखार हो जाना, या फिर बार बार बीमार पड़ना, स्ट्रेस में रहना, तनाव होना, थकावट, घाव का लेट भरना, बार बार बीमार पड़ जाना, एलर्जी वगैरह हो जाना, किसी भी वजह से एलर्जी आपको जल्दी से रिक पड़ जाती है, तो उनके भी एक इम्यूनिटी लो होने के सिम्टम्स ही देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इम्यूनिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो आपको स्लीप वगैरह प्रॉपरली लेनी पड़ेगी। सुबह को उठने से पहले या उठने के बाद तुरंत गर्म पानी पीजिएगा, विटामिन डी सी प्रोटीन युक्त भोजन का यूज़ करें, फास्ट फूड वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें, एक्सरसाइज ज़रूर करें दोस्तों। और साथ में आपको एक क्वाथ के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिसका नाम है दोस्तों आयुष क्वाथ पाउडर। जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है एमिल ब्रांड का एक हर्ब्स मेडिकल्स है, और आयुर्वेदिक है, बिल्कुल ही सेफ है, 90 ग्राम का आपको देखने को मिल जाता है। इसकी कीमत होती है दोस्तों 40 रुपये की, जो आपको इजीली मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, तो इसमें तुलसी वगैरह, शुंठी, दालचीनी, काली मिर्च जैसे इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये इस तरीके की पैकिंग में देखने को मिल जाते हैं, प्लास्टिक के पैकिंग में आता है, लेकिन इसके रिजल्ट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होते हैं। तुलसी जो काम करती है हमारी बॉडी में, वो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, और बैक्टीरिया वगैरह या इन्फेक्शन को दूर करने में बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। हमारी बॉडी में जाकर तुलसी जो होती है वो अंदर के जो डिटॉक्स रहता है, गंदगी रहती है, उसको यूरिन के रास्ते बाहर करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। शुंठी जो होती है वो गले के इन्फेक्शन के लिए, खांसी के लिए, थ्रोट सोर के लिए, कॉमन कोल्ड वगैरह के लिए, और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है। दालचीनी की बात करते हैं तो इसमें एसेंशनल दोस्तों एक ऑयल होता है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी वगैरह या फिर रोगों से लड़ने के लिए मदद करता है। काली मिर्च पेट के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इन्फेक्शन वगैरह को दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट देखने को मिल जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, इसका अच्छा रिजल्ट है, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में आपको जानकारी देते हैं। आप इसको ऑनलाइन साइट और मेडिकल स्टोर दोनों इस जगह से अवेलेबल कर पाएंगे। इसको उपयोग करने का जो तरीका होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों इसमें यही होता है कि आपको उपयोग करने का तरीका पता होना चाहिए, वरना आपको साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा इसके देखने को भी हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है क्वाथ, तो आपको लूज मोशन वगैरह या फिर घबराहट, बेचैनी, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसको उपयोग करने का तरीका क्या है दोस्तों, 3 ग्राम लगभग हाफ चम्मच आपने एक गिलास पानी में या फिर 100 ml में ले लीजिएगा, और 3 से 5 मिनट तक इसको कंटिन्यू उबालना है। 3 से 5 मिनट तक उबालिए, और इसको छानने के बाद फिर आपका क्वाथ जो होता है वो तैयार हो जाता है। और शुगर वगैरह के लिए आप, मतलब टेस्ट वगैरह के लिए आप गुड़ वगैरह या फिर इसमें आप लेमन जूस वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। शुगर आपने इसमें ऐड नहीं करनी है, गुड़ वगैरह का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू बिना किसी नुकसान के, क्योंकि एक आयुर्वेदिक है, बस आपको लेने का जो तरीका होता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो एक अच्छा आयुष इम्यूनिटी बूस्टर है ये, और बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है, और इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आजकल जो होता है, अगर कभी भी कोई बीमारी आती है तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है तो आपको जल्दी से कोई रोग देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आके हमें वहाँ भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।